ग्वालियर के दिनारपुर मंडी में व्यापारी मनमानी कर रहे हैं। बता दें कि जिला मुख्यालय के आसपास के किसानों के लिए दिनारपुर मंडी एक बड़ा केंद्र है और इसमें वे अपनी फसलों को बेचने आते हैं, लेकिन यहां मंडी में कर्मचारियों की कम और व्यापारियों की ज्यादा चल रही है। यहां किसानों की फसल की बोली लगने के बाद मशीन से नहीं बल्कि व्यापारी ही अपने हाथ से पर्चियां काट दे रहे हैं। इस हमालों ने प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि बाहर के व्यापारियों का माल टीन शेड में महीनों तक सुरक्षित रखा जाता है, जिसके कारण उन्हें बैठने तक की जगह नहीं मिलती। माल तोलने के लिए हमको दिक्कत आती है जेठ मासों में, गर्मी कितनी पड़ती है। आप इनसे कहो कि माल हमको टीनों में तुलवा, तो नहीं तुलवाते जी, पैसे ले लेते हैं ये मंडी वालों से। कौन लोग? जो सेक्रेटरी और प्रभारी। प्रभारी या सेक्रेटरी नाम क्या है? कदम सिंह यादव वो जाटव और भारत सिंह। अच्छा। प्रभारी है। और हम लोग कहते हैं तो हम पैसे उल्टा दबाव डाल देते हैं। किस किस का माल रखा है यहाँ पे? सब व्यापारियों का रखा है, सबर का। बाहर का भी माल रखा है क्या? बाहर के भी व्यापारी हम भिंड में रहना के। तो ये माल रख देते हैं? हाँ, सब माल ये व्यापारियों को ही रखा है। तो ये पर्ची कैसे काट रहे हैं? ऑनलाइन काट रहे हैं? पर्ची ऑनलाइन काट रहे हैं, कुछ पर्ची हाथ से भी कट रही है। कौन काट रहा? व्यापारी? व्यापारी। काफी दिनों तक माल रखा है? नहीं, काफी दिनों तक। अब यहाँ माल अनलोडिंग लोडिंग का काम है, तो व्यापारी अपने प्लेटफॉर्म पे अगर उसका माल किसी कारण से नहीं बिच पाता है तो दूसरे दिन के लिए रुक भी जाता है, और चूंकि मंडी आती है तो दूसरे दिन उतना डंप फिर भी हो जाता है। वो तो चलता रहता, प्रक्रिया है वो। एक व्यापारियों द्वारा कोई पर्ची नहीं काटी जाती है। व्यापारियों द्वारा क्या किया जाता है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन मंडी है, ऑनलाइन पेपरलेस मंडी है। बाहर किसान जब आता है तो एक ट्रॉली की एक ही प्रवेश कटती है, और चूंकि उसमें कई किसान होते हैं तो वो प्रवेश कंप्यूटर एक ही का लेगा, बाद में उसकी प्रवेश करके ना ही और उसकी सारी पर्चियाँ जारी कर दी जाएगी, क्योंकि वो